के वेरिएंट में ये डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि ये तेजी से फैलता है, ये बड़ा संक्रामक है। काफी सारे एसिम्टोमेटिक भी केस होते हैं कि इसके अंदर पता भी नहीं होता कि आपको सिम्टम्स हैं, है ना, और आप स्प्रेड करते रहते हो एज ए सुपर स्प्रेडर, तो इसका ट्रांसमिशन रेट काफी ज्यादा है। वैक्सीन हमें जो हमारा जो जानलेवा खतरा है, जो वायरस से जान की का खतरा है, वो कम हो जाएगा। लॉकडाउन से इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो वैक्सीनेशन वाली ड्राइव है उसको हम और ज़्यादा स्पीड अप कर पाएं। मेरे नाल मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी ने गलबात करेंगे। अरे सबसे पहले यूके स्ट्रेन आ गया कहा जाता है, ये क्या स्ट्रेन है पंजाब में जैसे 80% लोगों को, क्या इससे डरने की जरूरत है, और ये दोबारा क्यों बढ़ रहा है, क्या दूसरी लहर है या तीसरी लहर है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी खबर सामने सुनने में आ रही है बहुत ज़्यादा कि ये यूके वेरिएंट, देखिए वेरिएंट या स्ट्रेन, कोई भी वायरस होता है वो म्यूटेट करता है, मतलब वो अपना रूप बदलता रहता है। तो इस तरह से ये वायरस भी काफ़ी ज़्यादा म्यूटेट हो चुका है। अभी जैसे एकदम हमें खबर सुनने में आ रही है कि यूके वेरिएंट या यूके स्ट्रेन ये क्या है, आपने पिछले साल सुना होगा नवंबर और दिसंबर में एकदम से यूके में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे। उसके पीछे जो कारण माना गया था कि ये नया एक यूके वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैलता है। पंजाब में जिस तरह से अभी देखा गया जो पॉजिटिव सैंपल्स थे, कैसे पता लगा कि ये यूके वेरिएंट है, पॉजिटिव सैंपल्स जो थे, जो लोग पॉजिटिव आए थे उनमें से सैंपल्स उठाए गए थे, उनका फर्दर टेस्टिंग हुआ था जिसको जीनोम टेस्टिंग सिक्वेंसिंग कहते हैं, उसके जरिए पता लगा कि इतने सारे लोगों के अंदर ये यूके वेरिएंट पाया गया है। यूके वेरिएंट में ये डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि ये तेजी से फैलता है, ये बड़ा संक्रामक है, तो ये बात है तेजी इसकी। से फैलना मतलब ये कह सकूँ कि ऐसे किसी ने अगर किसी से एक आदमी से चार इफेक्ट हुए, चार लोग कमरे में हैं, जी अगर ये है तो ये 10 अगर 10 को 10 को कर देगा ऐसे ही। जी बिल्कुल, एक तो ये भी बात है और दूसरा इसके अंदर ये है कि काफी सारे एसिम्टोमेटिक भी केस होते हैं कि इसके अंदर पता भी नहीं होता कि आपको सिम्टम्स हैं, है ना, और आप स्प्रेड करते रहते हो एज ए सुपर स्प्रेडर, तो इसका ट्रांसमिशन रेट काफी ज्यादा है जो देखा गया है अभी। इसके अलावा जैसे दो और स्ट्रेन सुनने में आ रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है और ब्राजील वाला स्ट्रेन है। यूके के स्ट्रेन का जो अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमारी जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो काम कर रही है, ऐसा बताया गया है जो आपका अभी। वैक्सीन में लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं, कई लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी, दो डोज के बाद भी हो रहा है, डोज के बीच 28 दिन का गैप था, अब एक की कह रहे हैं कि 40 दिन कर दी जाए, वो क्यों? जी जैसे वैक्सीन के लिए अभी इस तरह के सवाल आ रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना हो रहा है, तो देखिए वैक्सीन से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन आपको उसकी गंभीरता से बचाएगी बीमारी की, कि आपको बीमारी में गंभीर होना, कि जैसे हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ रहा है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, वो उस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करेगी। कोरोना होना ना होना अलग बात है, ये वैक्सीन आपको उसकी सीवियरिटी से बचाएगी, इस बात को हमें समझना जरूरी है। ऐसे केसेस तो और भी आगे आते रहेंगे कि वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव हो गए, बट पॉजिटिव से ज़्यादा हमें ये इम्पोर्टेंट है देखना है कि हाँ वैक्सीन हमें जो हमारा जो जानलेवा खतरा है, जो वायरस से जान की का खतरा है, वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड क्यों बढ़ा दिया गया दो डोजेस के बीच में, पहले 28 दिन था, बढ़ा दिया गया है? जी जिस तरह से अभी भारत के अंदर दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और आपका जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड के लिए जो प्रोटोकॉल है थोड़ा चेंज हुआ है। पहले था कि फर्स्ट डोज लगेगी और फर्स्ट डोज के 28 दिन के बाद सेकेंड डोज लगेगी, पर फिलहाल जो वो 28 दिन वाला है वो प्रोटोकॉल चेंज हो गया। अभी आपको 6 to 8 weeks में, मतलब आप 8 हफ्ते तक सेकेंड डोज लगा सकते, वो इसलिए हुआ है कि वो देखा गया है कि जितना इसका टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा रहे हैं इसमें इसकी जो एफिकेसी है वो अच्छी है, मतलब इसका इफेक्ट है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है, इसलिए प्रोटोकॉल चेंज हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च आती रहती है उस तरह से जो इसके प्रोटोकॉल हैं वो चेंज होते रहते हैं। कई जगह जैसे दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, पंजाब में, तो छोटे छोटे लॉकडाउन देखे जा रहे हैं, कभी 1 घंटे का, कहीं नाइट का, कभी सिर्फ संडे का, ये फायदेमंद है? जी जिस तरह से हम बात करें कि जो ये ट्रांसमिशन है, जो ये संक्रमण है जो फैल रहा है तेजी से, उसको हमें रोकना है, उसकी चेन को ब्रेक करना है, तो जो लॉकडाउन है, छोटे लॉकडाउन जैसे नाइट कर्फ्यू वगैरह और इस तरह के स्मॉल लॉकडाउन, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। ज़्यादा इफेक्टिव तो जो हमारी तीन टेक्निक है जो जिसके बारे में हम कहते हुए जा रहे हैं, एक तो आपका वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराए जाएँ,
और बंदे को ट्रेस करके ट्रैक करके और उसको आइसोलेट किया जाए ताकि आगे ये फैले ना, और दूसरा आपका जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको और अधिक फास्ट किया जाए, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हम बात कर रहे हैं कि आपको मास्क वगैरह ज़रूर लगा कर रखना है, सैनिटाइजेशन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और मास्क का भी जिस तरह से हम बात करें कि वो ठीक तरीके से पहनना है, ये नहीं कि मास्क को हम फॉर्मेलिटी के लिए लगा रहे हैं, मतलब मास्क से आपका नाक और मुंह पूरी तरह से ढका होना चाहिए। तो अगर कोई लॉकडाउन हफ्ता और 2 हफ्ते चाहिए उसको चेंज होने के लिए जी मिनिमम, बिल्कुल, इतना कम से कम हमें 2 वीक्स का, 2 हफ्ते का टाइम चाहिए किसी भी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, उस चेन को ब्रेक करने के लिए। बरसात गई, सर्दी आ गई, सर्दी के बाद अब गर्मी भी धीरे धीरे आ रही है, तो सर्दियों में ये कहा जा रहा था कि बढ़ेगा लेकिन हुआ उल्टा, हालांकि दिल्ली में बढ़ा, पूरे देश में कम हुआ। अब गर्मियों में ये कहा जाता है कि घटेगा, बारिश घट जाता है, ट्रांसमिशन घट जाती है, तो इसके पीछे साइंस क्या कहती है, गर्मियों में क्या प्रोसेस होता है? जी जी बिल्कुल, अगर पिछले साल की बात करें 2020 की भी, तब भी हमने देखा था इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे कि सर्दियों के अंदर बढ़ेगा और गर्मियों के अंदर कम होगा और ये सब चीज़ें, पर ऐसा कुछ नहीं था। हम दिल्ली की भी बात करें तो जुलाई में भी काफ़ी पीक पे था और केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। हाँ, सर्दियों में जब हम बात करते हैं कि सर्दियों में रेस्पिरेटरी डिजीज़ बढ़ जाती है तो इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, पर केसेस का ऐसे मौसम से कोई संबंध नहीं है, वो किसी भी समय वायरस का जो जो ट्रांसमिशन रेट है वो उसी तरह से देखा गया है। इस बार सेकेंड वेव पूरे देश में कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की खबर है कि मृत्यु दर कम हुई है, तो क्या वो वीक हो गया है वायरस या लोगों में खुद ही इम्यून जाग गया है? जी बिल्कुल, इसका अभी जो देखा गया है सेकेंड वेव के अंदर हमारी जो फेटेलिटी है, जो मृत्यु दर है, वो कम देखी गई है। बिल्कुल, इसमें 2-3 तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो जो वायरस है वो भी वीक पड़ गया, ये भी एक कारण, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे अभी हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी पता है, तीसरा ये कि हम टाइम से टेस्ट करके और उसका फर्दर ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे कारण को मिला के हम कह सकते हैं कि जो फेटेलिटी रेट है वो काफ़ी कम हुई है। और अभी जिस तरह पीक पे, जैसे दिल्ली में पीक पे चला गया था सारा, उसके बाद देखा कि केसेस कम होने शुरू हो गए, तो अब इंडिया में दोबारा बढ़ रहे हैं, तो ये कब तक की पीक मानी जा सकती? कोई अप्रैल कह रहा है, कोई मई कह रहा है, आपको क्या लगता है? जी, जिस तरह से हम अगर 2020 में भी, पिछले साल की भी बात करें, तो जो सभी स्टेट थे वहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीक आई थी। दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में तो लगभग 3 बार पीक आ गया था, एक बार जुलाई के अंदर, एक बार सितंबर में, और एक बार नवंबर के अंदर पीक आया था। तो अभी हम अगर बात करें एक साथ, हमने हर एक स्टेट के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि हम देख भी रहे हैं जिस तरह से अलग अलग तरह के वेरिएंट्स भी है और अलग अलग तरह से सभी क्षेत्र में पीक आ रही है। इस बार ये देखा जा रहा है कि जो छोटे आपके शहर हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं, जो कि पिछली बार नहीं थे। जो टायर 2-3 और टायर 3 सिटीज़ हैं वो भी हैं, और गांव की तरफ भी ये थोड़ा बढ़ रहा है। इस बार को लॉकडाउन जैसी स्थिति आपको लग रही है कि देश में लगाने की जरूरत है? देखिए, लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, अगर लोग डिसिप्लिन में रहें, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि लॉकडाउन से हमने देखा है कि हमारा इकोनॉमी लॉस काफ़ी होता है, हमें अपनी इकोनॉमी को भी ठीक रखना है। उसके साथ साथ हम क्योंकि अब इस बार वैक्सीन भी आ गई है, लॉकडाउन से इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो वैक्सीनेशन वाली ड्राइव है उसको हम और ज़्यादा स्पीड अप कर पाएँ, और जिस तरह से अब 45 साल के लोग भी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, उसके साथ साथ हम हमारा जो यूथ है और उनके लिए भी जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव अगर ओपन हो जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतरीन विकल्प होगा। कई लोग डर भी रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे चल रहा है कि फलाना आदमी मर गया वैक्सीन लगा के, कि को लग रहा है कि बच्चे आगे पैदा नहीं हो सकते, तो क्या वैक्सीन में ऐसा है कुछ चीज़ें जो आदमी पे प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि हमारी जिस तरह से 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई थी, और वैसे भी अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो काफ़ी करोड़ों वैक्सीनेशन अभी तक लग चुकी है। किसी भी तरह के हिंदुस्तान की भी बात करें, कोई मेजर साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं आए। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि काफ़ी लीडर्स और सभी इन्फ्लुएंशियल लोग भी सामने आए और उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट किया, तो इस तरह की किसी भी अफवाहों में हमें जाने की जरूरत नहीं है, और आगे बढ़कर अपने आप को वैक्सीनेट कराना ज़रूरी है। वैक्सीन लगा के छोटा मोटा क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, ये सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वैक्सीन अगर हम लगाते भी, अगर हम छोटे बच्चों की भी बात करें, जब उनको भी वैक्सीनेट किया जाता है तो उसके बाद फीवर वगैरह इस तरह के कुछ सिम्टम आते हैं, छोटी मोटी, जहाँ पे वैक्सीनेशन लगी है वहाँ पे हल्का सा पेन वगैरह हो सकता है, हल्की स्वेलिंग, या आपको थोड़ा फीवर वगैरह और ये सब चीज़ें हो सकती है।